इसलिए कवि ने लिखा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिया कि कल प्रातः को जाने खिली न खिली मल्या चलती सोची शीतल मंद समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता अतन नम्र पे चोट झीली न झीली भजले हरि नाम अरे रसना कहीं अंत समय में हिली न हिली भजले हरि नाम अरे रसना कहीं अंत समय में हिली न हिली। कहते हैं कि भजले हरि नाम अरे रसना कहीं अंत समय में हिली ना हिली, है ना। जब तक ये श्वास चल रही है, जब तक ये जीवन है, तब तक भगवान का भजन करते रहे, परमात्मा का स्मरण करते रहे, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। ध्यान देंगे क्योंकि रामचरितमानस के भी पवित्र पन्ने पर बाबा गोस्वामी जी चित्रण किए हैं कि जा मुख राम नाम नहीं गावा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। कि जो मानव जो मनुष्य संसार में आकर अपने मुख से भगवान का भजन नहीं करते हैं, इस मुख को बनाने में ब्रह्मा जी की मेहनत व्यर्थ हो गया, इसलिए इसे सार्थक बनाइए, भजन कीजिए। सजनों किते सिर कटो ते सिर कटो तुमरी समतुला अजे नन वही हरि गुरु पद मूला। कहते हैं जिनका ये सर माता और पिता के चरणों में नहीं झुका और गुरु जी के चरणों में नहीं झुका, संत महात्माओं के चरणों में नहीं झुका, उनका ये सर नहीं है। जैसे तितकदुआ का तुम्बा होता है ना, उसी प्रकार ये सर की मान्यता है। लेकिन आज के डेट में लोग माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते हैं, आज के डेट में माता पिता की सेवा लोग करना नहीं चाहते हैं, है ना। ध्यान देंगे माता पिता कितने महान हैं और माता पिता का कितना बड़ा उपकार है हम और आपके जीवन में। अपने संतान के लिए, अपने बहू के लिए माता पिता क्या नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है, तो फिर बेटा सोचता है कि अब मेरे सामने कौन है, है ना। अगर माता पिता एक बात कहते तो, है ना, बेटा और बहू कहते गए तो बिना मतलब के दुरिया पर बैठ के तुम टर 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 करते रहे, शांत रहो। माता पिता, एक समय ऐसा भी आता है यानी माँ के जीवन में तीन तीन बेटे होते हैं, चार चार बेटे होते हैं। यानी किसी शायर ने लिखा है कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती और इनकी बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती और इनकी बात, माँ की बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती है। और बर्तन मांझ कर भी पांच पांच बच्चों को पाल लेती है माँ, बर्तन मांझ कर भी पांच पांच बच्चों को पाल लेती है माँ। लेकिन जब माँ वृद्ध हो जाती है, पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो पांच पांच बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती है। सजनों इसलिए ध्यान देंगे, हमारे उप मुखिया भैया हैं कि अच्छा इस शायरी के उपलक्ष्य में ध्यान देंगे हमारे योगेंद्र भैया की तरफ से ये 501 रुपए का प्रेम छावर और माता रानी की कृपा बनी रहे, जय जय। और हम इसलिए आपको कह रहे थे कि आज के जमाने में, इस कलयुग में ऐसा ऐसा देखने को मिलता है कि पांच पांच बेटे हैं लेकिन फिर भी माता पिता उनके दरवाजे पर सुखी नहीं है। ध्यान देंगे
इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, माता पिता अंत में रोते हैं क्यों? अरे लोटावा दिल हो एक भोला, अब बेटावा दिल हो तीन, हो बाबा बेटावा दिल हो तीन। मैंने अपने बेटे को कितनी मेहनत से पाला है, कितना जतन से पाला है। बेटा जब छोटा सा रहता है ना भैया, तो बेटा जो भी कहता है, पिताजी आज मुझे साइकिल चाहिए, कहते ठीक है बेटा ला देंगे। अरे पिता ये नहीं सोचते कि साइकिल कहाँ से आएगा, है ना? अगर हजार रुपया अगर किसी से उधार भी लेना है तो ले लेंगे, लेकिन साइकिल बेटे के लिए आ जाएगा। और पांच दिन के बाद बेटा कहेगा, है ना पापा हमें जूता चाहिए, जूता भी आ जाएगा। यानी बेटा जो मांगता है माता पिता देते हैं, यानी बेटे की हर ख्वाहिश माता पिता पूरी करते हैं। लेकिन जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो माता पिता बोझ लगने लगते हैं। माता पिता उसमें रोते हैं कि हे भोलेनाथ, देवाधिदेव देवघर पति से निवेदन करते हैं कि बाबा अरे लोटावा दिल हो एक भोला, अब बेटावा दिल हो तीन, हो बाबा बेटावा दिल हो तीन। अरे पनिया पियाई ते बेटावा, अरे पनिया पियाई ते लोटावा, बेटावा ले लकई छीन, अरे कैसे कटतई हमर दिन। हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, अरे कैसे कटतई हमर दिन, अरे या बैरतिया नैनील, कैसे कटतई हमर दिन, आ बैरतिया नैनील, कैसे कटतई हमर दिन, आ बैरतिया नैनील, कैसे कटतई हमर दिन। लोटावा दिल हो एक भोला, बेटावा दिल हो तीन, हो बाबा बेटावा दिल हो तीन। लोटावा दिल हो एक भोला, बेटावा दिल हो तीन, हो बाबा बेटावा दिल हो तीन। पनिया पियाई ते लोटावा, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे महादेव, पनिया पियाई ते बेटावा लोटावा ले लगई छी, कैसे कटतई हमर दिन, कैसे कटतई हमर दिन, आ बैरा दिया नहीं नील, कैसे कटतई हमर दिन, आ बैरा दिया नहीं नील, कैसे कटतई हमर दिन। शादी हो जाए छे ना, तब बड़का कहे छे कि छोटका किए थे, आ छोटका कहे छे हमें ठिकाने ले छे मैया बाऊ के मंझला भैया किए थे, है ना? आ मंझला कहे छे कि सिसे के सब अन बाबूजी वाला सब जमीन में हमें लिए जे हमें हमें किले में सब किले ते तक किले में। ए भैया उस समय ये हालात होता है, जय जय जय, उस समय ऐसा होता है। और तीनों बहुएं आपस में झगड़ती है और तीनों कहती कि हम क्यों खिलाएंगे, वो खिलाएगी तो खिलाएंगे, वो खिलाएगी तो वो खिलाएंगे। उस समय आहा, अरे बड़की पुता हुआ मुंह चमका भाई मंझली मारी पी, अरे बड़की पुता हुआ मुंह चमका भाई मंझली मारी पी, ओ बाबा मंझली मारी पी। अने बड़की पुता हो जैसे देखिए के मुंह घुमा तो जे कुछ कहिल के जिंदगी भर है ना। अरे बड़की पुता हुआ मुंह चमका भाई मंझली मारी पी,
आ छोटकी आ छोटकी कहै झुमराज बाबा से झुमर छोटकी कहै झुमराज बाबा से कि बुढ़ावा मरतै जौने दिन आ तोरा पठावा देबो तीन कहे कर्जा होतै ऋण कैसे कटतै हमर दिन अबै रातिया नैनीन कैसे कटतै हमर दिन अबै रातिया नैनीन कैसे कटतै हमर दिन हर हर महादेव जय शिव जय शिव। और इस गीत पे माननीय मुखिया जी की तरफ से ये 100 रुपए का प्रेम भिक्षा भरा है। जय जय बोली सच्चे दरबार की, बोली बाबा भोलेनाथ की। और लेकिन जब ऐसे हालात आ जाते हैं तो उस समय माता पिता रोते हैं कि बेटा अरे तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया है और आज तो मेरे प्यार को भूल गया। ए बेटा हर तोड़ा पढ़ावे खातिर बेटा बिकलै सभे जमीन अरे तोरा पढ़ावे में सुने रे बेटा बिकलै सभे जमीन रे बेटा बिकलै सभे जमीन रे बेटा। और तोरा पढ़ावे में सुने रे बेटा बिकलै सभे जमीन आ जब शादी भे गेलो कमाई बाबू के सुखल रोटी माई बाबू के सुखल रोटी भैया हो कि रे बेटा तोरा पढ़ावे लिखावे में सब जमीन बेच दलिए आ जब तोर शादी बियाह भे गेलो तो हमें तीत भे गेलो। अरे तोरा पढ़ावे में सुने रे बेटा बिकलै सभे जमीन आ जब शादी बियाह भेले हम सोचलिए कि बहू अयतै तो सुख मिलते लेकिन माँ और पिता रोते हैं कि तोरा पढ़ावे में सुने रे बेटा बिकलै सभे जमीन। लेकिन जब मैं आज वृद्ध हो गया तब माई बाबू के सूखल रोटी और अपना मेहरारू के लगे अरे मऊगी ले चौमीन अरे कैसे कटतै हमर दिन हमरा सूखल रोटी पर आपत छे तो दोनों मियां बीबी घर में चौमीन खावे छे हमें ए भाई भाई अरे माई बाबू के सूखल रोटी अरे मऊगी ले चौमीन आ कैसे कटतै हमर दिन भैया हो किया भई रातिया नैनीन कैसे कटतै हमर दिन आ भई रातिया नैनीन कैसे कटतै हमर दिन कैसे कटतै हमर दिन।